सौभाग्य की बात है आज आप लोग के बीच में हम गायिका महिमा राज अपने साथियों की आवाज में आप लोग के बीच में एक छोटा सा कहानी सुनावे जाते हैं। आशा है, उम्मीद है, भरोसा है कि आप लोग के पसंद आई, जिसमें बहुत बड़ा सहयोगक हमारे बड़े भैया प्रदीप गुप्ता जी, आप लोग के प्यार दुलारी आशीर्वाद देख रेख में आप लोग के सामने एक छोटा सा विरहा हम छोड़े जाते हैं और विरहा के सभी कलाकारों के पांव छू के प्रणाम करते हैं। हारमोनियम पर मास्टर एक थे गीत का संकेत करत हुआ, कौनो भौजाई बड़ा सवेरे भोरारी में जब उठल है, कहलस के री बाप री बाप बड़ी दहिया टूटत हो, देवरवा कलस की हो जी कैसन बड़ाते तोड़त हो, तो कलस की सुना ये देवरू बड़ा तकलीफ हो, हम बतावत ही का कलस मास्टर कहला। अरे टूटा ता दहिया बथता कलाई, लिया वा देवरू दर्द के दवाई, अरे टूटा ता दहिया बथता कलाई, लिया वा देवरू दर्द के दवाई, सूत गैली सैया से राते चिपके, सूत गैली सैया से राते चिपके, का भयल ककरी भइल बा कमरिया लपके, ककरी भइल बा कमरिया लपके, छोटा सा विरहा आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ। भरोसा है, उम्मीद है कि आप लोग के जरूर पसंद आई। चार लाइन भूमिका है मास्टर की, दाहिनी बाह भाई का भाई कहता सुरक्षा कवच होता, भाई का भाई पिता पुत्र या मित्र सेवक सरीखा, हर फर्ज को भाई दे तंगा निभाई, मगर आज परिभाषा कुछ इस कदर है, कहा जा रहा है कि भाई न भाई, बस में हबस के हुआ आज इतना कि भाई से बेहतर तो होगा कसाई, सुनने वाले भैया लोग कहल गई हो कि भाई भाई का आधा अंक होलन दहिना बाँह होलन, कभी कभी भाई का जब मुसीबत में भाई पड़ला तो छोट भाई जाए के मुसीबत अपने ऊपर ले लेवेला, लेकिन आज दुर्दशा इतना बदलल हो कि आज भाई का भाई ही ना होता, कैसे ना होता गजल के अंदाज है मास्टर। क्या बात है, देखाई वह गजल हो, कौनो लड़की के देख के कौनो लड़का, हे पप्पू भैया मातिन कौनो लड़का रहल, लड़की के देख है तक है हे जान आई लव यू, लड़कवा का बतिया सुन के लड़किया सोच गई कहो तो अरे खुद को वो, अरे खुद तो वो परेशान है, अरे खुद तो परेशान है मुझको आज महाने में,
एक समय वो था जो सीता माता को छोटा देवर लक्ष्मण भाभी नहीं भाभी माँ कहते थे, लेकिन जमाना कैसा बदला है, भाव में लिखल गई है। अरे कहाँ वो, अरे कहाँ वो लखन चल गए जो माँ कहे थे भाभी को, शुरुआत हो गई है मास्टर। कैसे फूल या काटा एक डाल में जन्म पाते, फूल या काटा एक डाल में जन्म पाते, ये कहीं वातावरण का दोनों रहम पाते। स्वभाव से सभी को सुख देता, स्वभाव काट का उल्टा सभी को दुख देता। कभी कभी आप लोग देखले होइहन कि गुलाब भले ही गाटा में खिलेला, लेकिन अपने सुगंध से अपने खुशबू से सबकर मन मोह लेवेला। लेकिन ये कहानी कहाँ का बाप, जीरा बरेली के गरीब मोती पाल रहे, माधुरी धर्म पत्नी गोद में दो लाल रहे। बीमारी से दोनों प्राणी का इंतकाल हुआ, माता पिता के बिना बच्चा भी बेहाल हुआ। बड़ा बेटा सुरेश करने लगा मजदूरी, भाई रमेश के हर शौक को करता पूरी। कहानी पर गौर करी बाबूजी, जिला बरेली का रहे वाला मोतीपाल मेहरारू का नाम बहुत सुंदर रहल बाबू माधुरी। बड़ी गरीबी रहल, गरीबी के हालत में दोनों परानी रहलन, दूठे लड़का रहलन, जौने बड़का लड़का का नाम सुरेश और छोटका लड़का का नाम रमेश। दोनों परानी बाबूजी कुछ दिन जियल हुअन, अचानक में दोनों परानी का मौत हो गई। आज जब मौत हो गई बाबूजी दुइये ठे लड़का सोचत हुअन, बड़का भाई सोचत हुअन सुरेश की बाबू माई तो चलिए गईलन, आ हम ही बड़ हई, अब ये छोट भाई के संहारे के हुई। ए बाबूजी, बड़ भाई के दिल में अपने छोट भाई के लिए कितनी भारी ममता है। होत का है गीत है मास्टर। वह गीत है, कौनो फिल्म का गीत है, आज भी पूरा ना भल हो। कैसे हो, झील मिल सितारो कयांगने होगा, झील मिल सितारो कयांगने होगा, रिम थीम परसी तासावने होगा। जेतना रमेश पढ़ी ओतना पढ़ाई, जेतना रमेश पढ़ी ओतना पढ़ाई, मेहनत के बल पर हम नौकरी दियाई। जेतना रमेश पढ़ी ओतना पढ़ाई, मेहनत के बल पर हम नौकरी दियाई।
कि जितना हमार छोट भाई पढ़ी उतना पढ़ाई मेहनत मजूरी कई के ओकरे नौकरी दी आई। देखे ये बाबूजी आज पढ़ाई लिखाई का नतीजा निकलल का मास्टर, सोचा था का सोचा था मास्टर? कैले बारह में धीरे धीरे इंटर पास हो, खर्च से सुरेश कभो होए ना निराश हो, अपने फटल नया भाई के पहनाई, अपने फटल नया भाई के पहनाई, मेहनत के बल पर हम नौकरी दियाई, सुरेश कहां से कहां तक पहुंच गल। जब इंटर पास कैले हो, इंटर पास कई के बाबूजी जब घरे बैठल हो, एक दिन दोनों भाई भोजन करत हुआ, और वही भोजन के समय छोटका भाई ये बाबूजी अपने बड़का भाई से एक थे बात कहा था, गीत बदल गई मास्टर। अरे पियावा, अरे पियावा मिलल बलल मुनावा, देखन के सपनावा ये नाना गंग, लेकिन छोटका भाई अपने भाई से एक थे फरियाद कैलस के भैया ये गोपात कही मनवा, कहे अरे तू तो हमारे करेजा का टुकड़ा हुआ, का कहल चाहत हुआ, बोला तो हर हर बात मानब, का कहल? अरे कई लेता, अरे कई लेता यसो तू बिया हवा, पूरा हो सपना ये भाई अंगा, भैया हम सोचत है कि अकेलवा कितना दिन रहल जाई, अब ब्याह कर लेता तो घर में एक थे भौजाई आ जात, हमार घरवा दुअरवा जोर हो जात, कुछ दिन के बाद अगर लड़का हो जात तो हमके चाचा कहे वाला हो जात। गांव भर का लोग जब ये बात के सुनले हुवन बड़ा खुश भयल हुवन, कहलन कि ए बेटा सुरेश तोहार छोट भाई रमेश ठीक कहत हो, घर में एक थे औरत रहना जरूरी हो, हमहन खड़ा है तू असो के लगन में शादी कैला, शादी हो गयल कुछ दिन बाद एक लड़का भयल, साल भर बाद एगो लड़का और भयल, एक लड़का का नाम बड़ा प्यार से रखा गल सोनू, दूसरा लड़का का नाम रखा गल मोनू, कोमल के तरह सुंदर सुंदर लड़का हुए ने बाबूजी, लेकिन जब कुछ दिन बीतल है खर्चा बढ़ गयल, जैसे ही लॉकडाउन है वैसे ही खर्चा बढ़ल हो, अब कहाँ दो जने रहना कहाँ छह जने हो गई, खर्चा बढ़ल तो एक दिन चलल हुवन घर परिवार के छोड़ के, गीत बदल गए मास्टर। दिखाई कुल पुरन की हो ये अपने अंदाज में एक मोहम्मद रफी सा गौले रहलन, बहुत बहुत
हम नमन करत है मोहम्मद रफी साहब के, लेकिन बाहरे गीत कहना हो। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्त तोप, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्त तोप, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्त तोप। बस फर्ज को निभाने वफादार चल दिए, बस फर्ज को निभाने वफादार चल दिए, बाहर कमाने छोड़ घर द्वार चल दिए। गौर करेंगे बाबूजी, आज वो बड़ा भाई घर परिवार छोड़ के बाहर निकलल हुआ, करत का हुआ, बाहर से भेजे पैसा होने लगी पूर्ति, बढ़ने लगे हैं बच्चे राम लखन सी मूर्ति, स्कूल पढ़ने अब दोनों दुलार चल दिए, स्कूल पढ़ने अब दोनों दुलार चल दिए, बाहर कमाने छोड़ घर दुआर चल दिए। सुरेश गल हुआ बाहर कमाए लगलन, खर्चा भेजे लगलन, धीरे धीरे दोनों बचवा बढ़े लगलन, राम लक्ष्मण के तरह बढ़बैलन। जब कुछ लड़का स्कूल में पढ़े जाए लगलन, घरे का खर्चा चले लगल, और जब घरे का खर्चा चले लगल, गौर करेंगे बाबूजी, आज लक्ष्मण जैसा लक्ष्मण धरती पर कोई रह नहीं गया है। ई हो कहा गीत बदल गए मास्टर, कौनो में हरारू के बेलाउज में कुछ हेलल गई है, रतिया में जगावत है, का कहत है कि उठिए बलम जी, उठिए बलम जी, तन डी बाहर जलाए जी, छोड़ा भाव में देखा हो छोट देवर का नेत कैसे बदलल। भाऊजी के दिल में बैठ लागल सुघरंगाई, भाऊजी के दिल में बैठ लागल सुघराई, जौने देवरा के बन के धर्म कमाई, छोटा भाई कनेत बदल गयल। भौजाई एक दिन खड़ी है जाई के कलाई पकड़ के भरे कवारी का चाप लेल, सावित्री कालिन के हाथ, तोहर हिम्मत कैसे पड़ल हमारा शरीर के छुए कातिन, कलस के भौजी तू बड़ा नीक लगेलू, बड़ा सुघर हो। तब तक लड़िकवा स्कूल से पढ़ के आई गईलन, आ जब लड़िकवा स्कूल से पढ़ के आई गईलन, देवरवा सोचे लगल, का सोचत हो कि फोन करेंगे जब भी भैया, फोन करेंगे जब भी भैया, भौजी कहे की सारी बात, अपना पाप छिपाने खातिर पहले फोन किया कर घर। माँ समान भाभी है भैया मगर है उनका माथा फेल, माँ समान भाभी है भैया मगर है उनका माथा फेल, हमसे गंदा काम करावे खातिन के आई के हमरे बिस्तर पर सूत गईली। भैया इतना बात सुनले हवन, बाहर से घरे अइलन, बेगर पूछले पत्नी के ऊपर कोड़ा बरसावे लगलन, कहलन कि भरत के जैसा भैया मेरा नहीं सुनूंगा तेरा बात, भरत के जैसा
भैया नहीं सुनूंगा तेरा बात, भगा दिए पत्नी को घर से, मुंह न दिखाना वो कमजात। भगा देते हैं बाबूजी कलश करे पापी करे भरत के जैसन हमार भैया। हम ना रलिए तो तोरे इतना मन गड़बड़ा गल है कि तू हमारे भैया के खटी वहां पर जाके सुतत है। भगा दे से बाबूजी रोय के जोने समय चलल हो, बच्चन दोनों पढ़े गल कलश की अब जग में जिए का कौन अधिकार न। जब ये सीता जैसन इन मेहरारू के दाग लग गयल तो हम तो ये काम इंसान है, आज हमरे आंचल में दाग लगल अब हम धरती पर ना जियब। जाय के नदी में छलांग लगा देती है और नदी में छलांग लगौले हो, आ छलांग लगा देलस बाबूजी नदी में कूद के जान दे देलस भाव टेरी में मास्टर। अरे मोरे राम समैया कब कराई फैसला, अरे समैया कब कराई वो समैया कब कराई फैसला, एक विश्वास में जिया एक काटे नटैया। गौर करेंगे बाबूजी एक खे तो विश्वास करत है एक खे विश्वास घात कई दहलत। आए बाबू ओहर का बात ओहर छोड़ा, ये हर मेहरारू के भगाई के पहुंचल हो ससुरार, जाय के मेहरारू का बतावत है कि तोहार लड़की भाग गई। अब ओहर बतावे गई है यहाँ छोटका भैया के मन में शंका हो कि भौजी तो चल गई लेकिन नहीं लड़कवा देखले हुन काजनी बता दी भैया से तो हमार पोलिया मिल गई। कहलन कि भैया के आवे से पहले हमें नहने के साफ कह दही, पाप मन में समा गई बाबूजी। कहल गई है कि विनाश काल है विपरीत, गौर करेंगे बाबूजी ओकर मन में पाप क्षमा लो विदेशिया के लाइन मास्टर। कि पापिया का पापावा कपर चढ़ी गई लहो, अरे बचावन का मारे का बनावल सऊ पैया, टापी के बहाने लेके गयल भीतर घरावा में, अरे परी पारा टापी के मुआवल समुदैया। रात का 11 बजे था, दोनों बच्चन के टापी के बहाने पापी कमीना लेके गयल है बाबू। बड़का भैया का जोने समय नटई टिपले बजाय के छोटका भैया गोड़वा पकड़ के कलश चाचा चाचा कहे मारत हुआ चाचा हमन के का गलती है चाचा, लेकिन वो पापी कसाई एक बात नहीं सुना, पारी पारा दोनों बच्चन के नटई दबाई के मुआउले हो। अब मुआई के 11 बजे रात के वही भीतरी घर में गड्ढा खन के बाबू जी ढांक देलस। आ जब ससुरार से आयल पूछलन की भैया बचवन कहा हुआ तो खा के सुत गई लन, सुतल जान के जोने समय ये बाबूजी बड़का भाई सुत गयल जे वही नींद लगल हो तो सपना का देखा था वो पहपट में मास्टर। कि सपना देख रो तू न ललनवा अमर पापा, सपना देख रो तू न ललनवा अमर पापा, आई अपना हो दुनिया में मिलना हमारे पापा हो। गौर करेंगे बाबू जे वही पहला नींद लगल हो सपना देखत हुआ कि बचवा आय कि रुए हुआ कि पापा पापा कहे ऐसन भयल पापा हमन के का गलती रहल पापा पापा अब हमसे तो से कब हो मुलाकात न हो। कहत कहुआन कि निर्दोषी मम्मी रहली नदिया में देहली जनावा हो, आ हम अन गर के लगली जब चाचा बन के दुश्मन आवा हो, दाब के नटई ले लहला परनावा हमारे पापा हो, अल्लाह से दफन घर में कैला दर्शनवा हमारे पापा हो। कहलन कि
लिए बचपन कहत हुन कि पापा हमार मम्मी निर्दोषी रहली, घरे से भगा देला जाय के नदी में जान दे देहली, चाचा के अखिया में हमहन गड़केनु लगली, चाचा हमहन के दाब के नटही मुआई देहलन भीतरी घरवा में गाड़ देहलन, पापा जाय के दर्शन कैला, पापा गौर करेंगे बाबूजी तड़ाक से नींद खुल गयल, चौनी समय तड़ाक से नींद खुलल हो, दौड़ के घरे में जब पहुंचल हुआ तो आल्हा में परमाल हो मास्टर होत का हो। कहना हो कि टूटली वो गाई दिल में अरे पे देला सपना पंचो उठे चार पाई से सुरेश झटपट खोल के केवाड़ी जाबा गैल भीतर घर में बाबू हो गल ताजा माटी या हो गायल बात माटिया के खोदत मिलल बचवन कलसिया पंचो गोदिया में लेके दून लसिया हो उठा हाय लाल हाय लाल कही के रोवे लगल बाबू काहे के कसैया बन गईल मोर भांगा गौर करेंगे बाबूजी जब सपना नींद टूटल हो छटकना लगल हो पहुंचल हुन भीतरी घरवा में बाबू देखत हुन तो ताजा माटी साचो का खानल बा आ जब मट्टी के खानले हुन देखत बड़न तो राम लक्ष्मण जिसन मूर्ति सुतल बा बचवन का लाश देख के बाबूजी तुरंत बचवन के गोदिया में उठा के कलन हाय रे लाल कहां चल गईला लाल लेके बचवन के गोदिया में रोवत हुवन कहत हुवन के अरे पापी तोके त फूल के तरह सिचली कभो माई बाबू का कमी ना आवे देहली आज तू ऐसन काहे कह देले रे अरे सीता के तरह हमार में हरारू तोके पल्लस पोसलस पढ़ौलस लिखौलस लेकिन तू ओही से गद्दारी कह देहले आज आई के देख ले अपन करतूत कि आज तोर का दशा होत है का कहत है मास्टर माई के समान तोरा बदल लिया दिया जानली न मार के हम देहले भगन तू तो मरी गईली बचल रहल ललनावा कपड़ा छिपावे खातिर देलावे के मंगार अरे पापी कमीना गद्दार अरे बेगर कसूर अपने पत्नी के मार के भगा दे दूठे लाल बच्चा रहलन अपन पाप छिपावे खातिन हमरे दोनों बचवन के मार देले ई तू काहे कहले अब तू कवन झूठ बोलबे कवन बहाना बनेबे हमसे गौर करेंगे बाबूजी ले के बचवन का लाश रोवत हवन खड़ी में कहना हा मास्टर अरे उजड़ गयल विश्वास का बस सजावल बगिया अरे उजड़ गयल विश्वास का बस सजावल बगिया तो भाई के जीवन में भाई खुद लगौल सगिया लोग लाश पौल अरे यार थी सजा करती न चितवा सजावल अरे देखो अग्नि दान रोम फुटल भगिया तो भाई के जीवन में भाई खुद लगवाल सयोगिया ओहर गांव के लोग ये बाबूजी टहरत हुवन
कथवन नदी किनारे एक लाश मिलल हो। देखलन जब लाश उठाई के कलन के रे तो हमरे गांव का औरत हो। लाश ले ले हुन तब तक एहर से दूठे लाश लेके पहुंचल हुन ये बाबूजी। तीन थे चिता नदी पर सजल हो। तीनों चिता में जब अग्नि दान दिले हुन करे जा कांप गले बाबूजी। कलन के हमार भागिए फूटल रहल हो। रोत हुन त होत का हो छोटका भाई करत का हो कि कुआवा में कूद के रमेशवा दे लस जान हो। अरे भाई लसुरे से एक मुर्दा का समान हो। अरे हवस के चलते पावन प्रीत में लागल दगिया। अरे हवस के चलते पावन प्रीत में लागल दगिया। तो भाई के जीवन में भाई खुद लगल सगिया। सोचलस कि अब मौत के सिवा हमारे जीवन में कुछ ना हो। जाए के कुआं में कूद के बाबूजी जान दे दहलस। बड़का भाई जिंदा लाश के समान होके पागल होके गली गली का ठोकर खाए लगल। यही से कहल है कि विनाश काल है विपरीत। खानदान का परिचय है मास्टर। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुनकाए। अरे कवि चंद्रिका राम दे बच्चन जी बागा सजाए। अरे समैया कब कराई फैसला। अरे समैया कब कराई फैसला। त महिमा रामचरण जगमग विश्वास कन्हैया। समैया कब कराई फैसला।